ठीक है बच्चों, नमस्कार। आप लोग अच्छा कर रहे हैं। मैं विक्रम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 हफ्ते के टाइम लगभग बचे हुए हैं टायर वन के एग्जाम होने में, तो मुझे लगा आज थोड़ी सी क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बचे हुए टाइम के लिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि SSC इस बार टायर वन का एग्जाम 1 से 13 दिसंबर तक कराने वाला है, जो अभी टेंटेटिव है, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि उसी के हिसाब से हमें अपनी तैयारी रखनी है। जैसा दे रखा है SSC ने कि 13 दिसंबर तक एग्जाम कंप्लीट करा लिए जाएंगे टायर वन के, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों, तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो रखी होगी पहले ही। कुछ लोग होंगे थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा क्लैरिटी कम होगी, और किसी के मार्क्स कम आ रहे होंगे मॉक में, किसी का कोई सब्जेक्ट में कुछ कहीं लैग कर रहा होगा थोड़ा बहुत, किसी को कुछ किसी किसी टॉपिक में दिक्कत होगी, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप थोड़ा सा समय अपना यहाँ दीजिए, 10-15 मिनट का, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो क्या है बच्चों ना, अभी 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है हमारे पास, और 2 हफ्ते के समय बहुत होते हैं। 2 हफ्ते में आदमी चांद पर पहुंच जाए, मंगल पर पहुंच जाए, ये तो छोटा सा एक एग्जाम है, तो 2 हफ्ते का समय बहुत होता है। तो इसमें आप क्या करिए, आप अभी मॉक दे रहे हैं आप लोग, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मॉक देते रहिए आप। मॉक जितने आप देंगे बच्चों ना, उतना ही आपको फायदा होगा एग्जाम में। मॉक देने से, देने का तरीका मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, आपको प्रॉपर टाइम में देना है, प्रॉपर टाइम में मॉक देना है। दूसरी बात, प्रॉपर टाइम का मतलब कि 1 घंटे का टायर वन का एग्जाम होता है, तो 1 घंटे आपको बैठ के देने हैं, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, नो इंटरप्शन, कुछ बीच में नहीं, एकदम एग्जाम की तरह ट्रीट करना है उसे। और लास्ट में देने के बाद जब मॉक खत्म हो जाए आपका, तो सामने ही तुरंत आ जाता है कि कितने स्कोर आए हैं आपके और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उसका सेल्फ इवेल्युएशन जरूर करिए, उसमें बिल्कुल लापरवाही ना करिए। सेल्फ इवेल्युएशन मॉक का आप जो दे दिए हैं उसका जरूर करिए, और उसमें जो आपसे मिस्टेक्स हो रखी हैं या जो अनअटेम्प्टेड हैं क्वेश्चंस, उनको आप नोट डाउन करिए एक रजिस्टर में। ये करना है लास्ट दिन तक आपको करना है, जब तक आप एग्जाम पूरा फाइनल दे के आ नहीं जाते, तब तक आपको ये करते रहना है कि प्रॉपर टाइम में बैठ के एग्जाम देना है, और बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। और मॉक देने के बाद सेल्फ इवेल्युएट जरूर करिए आप लोग बच्चों, और उसको नोट डाउन करिए। सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं उनको नोट करिए, और उस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करिए जहां आपसे गलती हो रही है, थोड़ा सा उसमें और कमांड लाइए कि प्रैक्टिस करिए 2-4 6 क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद करते जाइए आप ऐसे कि ऐसी दिक्कत दोबारा ना आए, ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, और नहीं होंगी। लास्ट तक आपसे ऐसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल क्लियर होंगे जाके एग्जाम में जब बैठेंगे, और एक्यूरेसी भी आपकी बहुत अच्छी हो चुकी होगी उस समय तक। तो बच्चों मॉक दे रहे होंगे कुछ लोग, अब इसमें उन लोग बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या स्कोर हैं, तो आप कितने क्लियर हैं। जो 150 से प्लस स्कोर कर रहे हैं अभी मॉक में, वो तो बिल्कुल श्योर हैं कि उनका टीयर वन का एग्जाम अच्छा होने वाला है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि वो अभी से ही टायर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दे। टायर 2 की प्रिपरेशन कैसे, क्योंकि देख रहे हैं आप इस बार नया पैटर्न है पूरा, उसमें रीजनिंग भी आ रहा है, GA भी आ रहा है, और मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़ा कम किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है, आप टायर 2 की प्रैक्टिस के लिए मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के प्री का जो कर रहे हैं मॉक देते रहिए डेली, एक एक मॉक आपको प्री का जरूर देना है डेली। लेकिन मैथ और इंग्लिश का आप अच्छे क्वेश्चंस ढूंढिए, अच्छे क्वेश्चंस हम करा भी रहे हैं अपने जो रिवीजन हम करा रहे हैं उसमें, वहां से भी आप देख सकते हैं, और तमाम बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में, जहां से जो सोर्स से आप अफोर्ड कर सकते हैं वहां से क्वेश्चन ढूंढिए, और क्वेश्चन अच्छे करिए, थोड़ा लेवल जो अभी तक मेंस के लेवल का क्वेश्चन रहा है उससे भी अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। बाकी हम अपने क्लास में क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करा रहे हैं, और एक एक चीजें बड़ी बारीकी से हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों मैथ और इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है ना, जिनका लग रहा है प्री में कॉन्फिडेंट है कि मेरा हो जाएगा, वो मैथ की और इंग्लिश की प्रिपरेशन टीयर 2 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल शुरू कर दें, देर ना करें इसमें, करते रहें। जो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो हल्के क्वेश्चन अपने आप ही हो जाते हैं, उसको कुछ
उसमें एक्स्ट्रा में फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैथ और इंग्लिश करते रहिए आप, बाकी जीए आप पढ़ रहे हैं टीयर वन के लिए, टीयर टू के लिए भी जीए थोड़ा सा उसको अपना दायरा थोड़ा उसका बढ़ाइए। क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में टीयर वन में कैसे पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, और उससे अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप जीए में भी देखिए। थोड़ा सा अपना दायरा जीए का बढ़ाइए इस बार, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स वगैरह पढ़ना, इन सब पर भी फोकस करते रहिए आप। बिल्कुल छोड़ना नहीं है हमें कुछ, जहाँ से भाई सफलता का सबसे बड़ा एक जो होता है सफलता लेने के लिए, कि जो हमारे सामने समस्या आने वाली उससे हम 4 कदम आगे रहे हमेशा, तभी सफलता हमारी गारंटीड होती है बच्चों, और हमारे पास बाद में कोई बहाना नहीं बचता है, सफलता मिल जाती है। अगर हम कहीं लैग कर रहे हैं और उस पर लैग ही करते रह गए एग्जाम तक, तो हमारे पास बड़े एक्सक्यूज निकल के आते हैं कि मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। तो वो सब बहाने जो आपके एग्जाम के बाद बनने वाले हैं, उस सब पर पहले से ही वर्क आप करते रहिए। तो मैथ, इंग्लिश और जीए, इनको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना बढ़ाइए, और थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए इनको, कि जितना अभी दे रहे थे पहले उससे 1-2 घंटे बढ़ाइए समय, और प्रिपरेशन ऐसा ना हो कि एग्जाम के लास्ट टाइम जब आपका टीयर टू का एग्जाम होने वाला हो, तो उस समय आप थोड़ा सा भी आपके मन में कोई संशय हो, शंका हो, ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना है हमें, बिल्कुल इससे आगे निकलना है। और कुछ लोग होंगे जिनका अभी स्कोर कम आ रहा होगा मॉक में, मान लीजिए 130 तक आ रहा है, 120 आ रहा है, या 100, 110 आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि वो दो दो मॉक दें एक दिन में, 2 मॉक्स डेली, 2 मॉक देंगे एक दिन में, और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ 2 मॉक देना है, उसका इवेल्युएशन करना है, और जहां आपसे गलतियां हो रही हैं, जहां जिस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसको नोट करिए, यहाँ रजिस्टर में अपना बनाइए, रजिस्टर में नोट करके क्वेश्चंस को, उसको प्रैक्टिस और करिए वहां पर थोड़ा सा, और समय दीजिए, और डीप में थोड़ा सा जानकारी लीजिए उसमें, जहां आपको समस्या हो रही है। हम पढ़ा भी रहे हैं, एडवांस मैथ हमारा अभी चल रहा है, आज ट्राइंगल खत्म हो जाएगा, कल हम सर्किल खत्म कर देंगे, परसों हम ज्योमेट्री का सारा पोर्शन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, उसके बाद हम मेंसुरेशन कराएंगे, फिर उसके बाद हम अरिथमेटिक पोर्शन भी 1 हफ्ते में कंप्लीट कराएंगे पूरा। तो वहां से आप ले सकते हैं इंग्लिश और जीए और रीजनिंग, इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए मॉक के थ्रू, जहां आपसे गलतियां हो उस टॉपिक को रिवाइज करिए, और कॉन्फिडेंट रहिए थोड़ा सा, थोड़ा हिम्मत रखिए, आपके भी स्कोर अच्छे आएंगे। अगर आप ऐसा करते रहे, दो दो मॉक दे रहे हैं, समय मिल रहा है, 3-3 मॉक दीजिए, सबको सेल्फ एवेल्युएट कीजिए, और जितनी गलतियां आप अपना, बेसिकली क्या होता है मॉक देने का मतलब, मैं सेल्फ एवेल्युएशन की बात करता हूँ, आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, किस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, किस क्वेश्चन में गलतियां हो रही हैं, कहाँ मुझे नहीं आ रहा है किस टॉपिक में, तो वो सब चीजें आपको, जितनी गलतियां आपको एग्जाम से पहले, जितनी ज्यादा गलतियां आपकी, अपनी कमियां एग्जाम से पहले पता चल जाएंगी, तो पक्का है कि उस पर आप काम करेंगे, काम करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, काम करने वाले को ही रिजल्ट मिलता है। तो एक छोटा सा मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों, यहाँ पर क्या है कि 2016 का जो सीजीएल का प्री हुआ था ना, उसमें मेरे सिर्फ 137.5 नंबर थे, ये जस्ट कट ऑफ था उस टाइम का, यूआर का, अंग्रेजी कैटेगरी का हूं मैं, तो उस टाइम का ये सिर्फ कट ऑफ था, 137.5 मार्क्स, और मेरे इतने ही मार्क्स थे, लेकिन मेंस में मैंने क्या किया, मैंने हार नहीं मानी थी, मेंस में मेरे मैथ्स में, उस समय का 2016 का आप मेंस का पेपर देखेंगे तो री एग्जाम हुआ था मैथ का, वो अभी तक का टफेस्ट मैथ का क्वेश्चन पेपर आया है वो, उसमें मेरे 180 नंबर थे और इंग्लिश में मेरे 150 नंबर थे, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया था। ये बात की बात है, मैंने ज्वाइन नहीं किया था 2017 में, ऐसे ही क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा, अच्छा यहाँ आपको दिखा नहीं होगा बच्चों, सॉरी इसके लिए, मैं बताता हूँ क्या बताया हूँ मैं इसमें क्या हुआ था 2016, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, सीजल एग्जाम में मेरा सिर्फ 137.5 नंबर थे, जो बिल्कुल कट ऑफ था उस साल का टायर वन के एग्जाम में, और मेंस में, क्योंकि मैं छोड़ा नहीं था कि प्री में मेरे नंबर कम आए हैं और मेरा कैसे होगा, बिल्कुल कट ऑफ, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में अपना स्कोर कार्ड इस साल का, हो सकता है अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा आपको, लेकिन विश्वास करिए मेरा कि इतने ही मार्क्स थे मेरे, और मेंस में मैं
पूरा, क्योंकि करता ही क्या मैं, तो तैयारी अपनी पूरी रखा था मैं, बिल्कुल हार नहीं माना था। मेंस में मैं एग्जाम दिया अच्छे से, 2016 का मैथ का जो मेंस का आया था, री एग्जाम हुआ था मैथ का, उसी में मेरा हुआ था। दो तीन सेंटर के एग्जाम कैंसिल हुए थे, तो री एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर अभी तक का टफेस्ट क्वेश्चन पेपर है मैथ का, जिसमें 180 मार्क्स मेरे मैथ में आए थे और इंग्लिश में मेरे 150 आए थे। फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया था इसमें 2016 में ही। ये बात की बात है, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। 2017 में मेरी 29th रैंक थी ऑल इंडिया, और मुझे इनकम टैक्स का, सबका जो ड्रीम पोस्ट होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, वो मुझे मिला था। तो ये तो रही मेरी बात, तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ कि फ्री में आप स्कोर टीयर वन में हो सकता है, कि सबके तो आते नहीं अच्छे, आपके खराब भी हैं। इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो चांसेस नहीं छोड़ना हमें। अगर मान लीजिए नंबर कम भी आ गए, कट ऑफ के आसपास आ गए, 4-5 नंबर या 10-5 नंबर ज्यादा कट ऑफ से, तो आपको बिल्कुल वहां से निराश नहीं होना है। अपनी प्रिपरेशन टायर टू की जबरदस्त कर देनी है, डबल डबल मेहनत जितना हो सके आप उतना करिए, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और बीच बीच में हम आते रहेंगे, ऐसे गाइड करते रहेंगे आपको कैसे क्या करना है। इसमें ऐसे नहीं आया है कि 137 मेरे प्री में थे और 180 मैथ में आ गए, ऐसे ही आ गए। मैंने मेहनत की थी, कुछ स्ट्रेटजी रही होगी मेरी, तो स्ट्रेटजी भी सारी सब चीजें हम आपको शेयर करते रहेंगे ऐसे बीच बीच में। तो अभी तक के लिए ये मानिए आप कि प्री में आपके जितने भी स्कोर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि प्री में मेरा अभी नंबर कम आ रहा है, तो आप एक मॉक दे रहे हैं तो दो दो दीजिए, तीन तीन दीजिए, जितना समय आपको मिले, और उसको सेल्फ एवेल्युएट जरूर करिए, वहां से अपनी गलतियां नोट डाउन करिए, उस पर वर्क करिए। और जिनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि टीयर वन में मेरा पक्का है, हो जाएगा, अच्छा स्कोर आ रहा है, तो वो मेन्स की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दें, देर ना करें, बिल्कुल देर ना करें, और अच्छे क्वेश्चंस करें मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका टीयर वन पर। टीयर टू का आप करेंगे तो टीयर वन उसमें कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये रही बात, आप देख लीजिए एक बार टीयर टू में क्या क्या आ रहा है। इस बार टीयर टू में देखेंगे आपकी तीन पेपर हो रहे हैं। पेपर वन में पहले हमारा दो सेशन है, इसमें पहले सेशन में सेक्शन वन, पहला सेशन जो है हमारा 2 घंटे 15 मिनट का है, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट का टोटल है पहला सेशन। उसमें तीन सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर रखा है इस बार, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। और सेक्शन वन में आपका है मॉड्यूल वन में मैथ आएंगे, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे मॉड्यूल टू में, और सेक्शन टू में, मॉड्यूल वन में इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल टू में जीए के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ये सभी तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस हैं इस बार बच्चों। और हर एक सेक्शन, जैसे सेक्शन वन है मैथ और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का, तो ये 1 घंटे का है, जो स्क्रिबल वाले हैं उनके लिए 20 मिनट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। और सेक्शन टू में जो है हमारा इंग्लिश और जीए है, ये भी 1 घंटे का ही है, और इसमें क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के 45 और जीए के 25 हैं, और सभी ये तीन तीन नंबर के क्वेश्चन हैं। तो सारे देख ही रहे हैं आप ये सब, सिलेबस हमारा टीयर वन वाला ही लगभग लगभग, बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन का इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, कि क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे, थोड़े ट्रिकी आएंगे, वो सब हम कर रहे हैं। जो कि तो सेक्शन थ्री में, इसी में ये पहले सेशन में जो सेक्शन थ्री का सिर्फ मॉड्यूल वन का ही एग्जाम होगा, जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मिनट में आपको ये करने होंगे। और दूसरे टाइम आपका जो सेशन टू होगा, उसमें सेक्शन थ्री का एक जो मॉड्यूल बचा हुआ है, मॉड्यूल टू डाटा एंट्री का, वो 15 मिनट का आपका सेशन टू में होगा। और ये सारे सेक्शन जो सेक्शन वन है, सेक्शन टू है और सेक्शन थ्री है, ये सारे क्वालिफाई करने ही होंगे आपको। ऐसा नहीं कि किसी में आप फेल कर गए और इसमें अच्छा स्कोर कर दिया तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको सारे सेक्शन में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये टीयर टू का है, आप देख लीजिए सिलेबस, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका मैथ का और रीजनिंग का सेम ही है, थोड़ा सा मैथ में 1-2% का डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा, और लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अच्छे रहेंगे। इसके लिए जरूरी है आप हमारा जो चल रहा है रिवीजन अभी मैथ का, वो जरूर देखें, उसमें हम सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वही बात है कि अगर सफलता चाहिए तो 4 कदम एसएससी से आगे सोचना पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं, आप उसकी फिक्र ना करें, आपको हम बताएंगे क्या कर सकता है एसएससी, ज्यादा बाहर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों सेक्शन टू में
भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इंग्लिश है, सिलेबस लगभग सेम है, जीए का भी सिलेबस सेम है, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ डिफरेंस कर नहीं पाएंगे। इंग्लिश में क्या ही कर सकते हैं, आप पहले ही प्रिपेयर रहते हैं, वोकैब्स, ग्रामर्स, क्लोज टेस्ट, ठीक है, और रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन जो पैसेज आते हैं, वो सब चीज़ों के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसमें आप मैनेज कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में कैसे क्या कर सकते हैं इसमें। जीए आप थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लीजिए, और स्कोर अच्छा आ रहा है प्री में आपका, तो ये सब चीज़ आप अभी से ही प्रिपेयर करना अपना शुरू कर दीजिए। और बाकी पेपर टू और पेपर थ्री जो हैं, स्टैटिक्स और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, ये दोनों बिल्कुल ओल्ड पैटर्न जैसे ही आएंगे आपके, दो दो घंटे के, 100 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये रही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी अभी तक की, तो एक समरी हम बता देते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या है। आपको करना ये है कि अगर आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, 150+ या आपको लग रहा है टीयर वन में आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अभी से ही टीयर टू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अच्छे क्वेश्चंस करिए, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के, जीए सबके अच्छे क्वेश्चंस करिए, और थोड़ा आप अपनी प्रिपरेशन और बढ़ाइए, इससे आपकी रैंक भी अच्छी आ सकती है और गड़बड़ी होने के चांसेस बड़े कम रहेंगे। तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो अभी से ही अपना पूरा टाइम इस पर दीजिए। और जो थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं अभी, जैसे 10 5 नंबर कम आ रहे हैं, उनको लग रहा है टीयर में थोड़ा कॉन्फिडेंट कम है, तो आप जो है आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप जो है मेरी तरीके देख लीजिए, 137.5 कट ऑफ के जस्ट इक्वल मार्क थे, मैंने 2016 में फाइनल सिलेक्शन लिया था। तो आपको प्रिपरेशन बस अपने हिसाब से और तेज करनी है, और जितना हम बता रहे हैं अपनी देखिए क्लास में, उसको भी थोड़ा देखिए आप, अच्छे क्वेश्चंस करिए, और मॉक अपना प्री का दो दो तीन तीन दीजिए आप डेली, और उसको सेल्फ इवेल्युएट कर लिए, और अपनी गलतियां ढूंढिए, गलतियों पर काम कीजिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी आपको किसी भी तरीके से। वैकेंसी ज्यादा है, सिलेक्शन इस बार ले करके चंगा हो जाना है मामला, मतलब कहने का ये है। और ये सब रहा तो करते रहिए आप लोग, और हमारा जो चल रहा है अभी ट्राइंगल बता रहे हैं हम, आज ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, सर्किल भी कल हम कंप्लीट कर देंगे, मतलब इस हफ्ते आने वाले वीकेंड वीकेंड तक सारा एडवांस कवर कर देंगे, और हम अरिथमेटिक का कुछ पोर्शन कवर कर लिए होंगे। तो 10 दिन के अंदर अंदर हम मैथ आपको सारा सिखा देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।